देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने खुद को बिहार में तो ढूंढा है, यानी बिहार में सक्रिय राजनीति तो करने लगे हैं चिराग पासवान। और ऐसे में जब बिहार विधानसभा के उपचुनाव में परिणाम आए तो चिराग पासवान इन नतीजों से कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखे, क्योंकि चिराग पासवान ने जो प्रदर्शन किया, चिराग पासवान ने इतने कम समय में और जिन हालातों में चिराग ने प्रदर्शन किया, उन प्रदर्शन से, उस परिणाम से चिराग पासवान काफ़ी खुश दिखे। चिराग पासवान का कहना है कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव में लोजपा रामविलास तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और इससे ज़्यादा खुशी उन्हें नहीं है। हालांकि चिराग पासवान को फिलहाल बिहार में और कड़ी मेहनत करनी है, सक्रिय राजनीति करनी है, और ऐसे में अब चिराग पासवान अपने कुनबे को मजबूत करने में लगे हैं, लोजपा रामविलास को और ज़्यादा मजबूत करने पर लगे हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, अब चिराग पासवान की नज़र बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और पंजाब में लोजपा रामविलास अपने उम्मीदवारों को उतारने वाली है, यानी चिराग पासवान अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारेंगे इन दोनों राज्यों में भी। ऐसे में चिराग पासवान की नज़रें फिलहाल उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। कांग्रेस की बात कर ले या फिर समाजवादी पार्टी, बीजेपी, तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश में अभी नज़र आ रही हैं। तमाम बड़ी पार्टियों के नेता फिलहाल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और अपने अपने कुनबे को मजबूत करने में, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं। और इसी सिलसिले में चिराग पासवान भी फिलहाल उत्तर प्रदेश में हैं, जहाँ चिराग अपने कुनबे को यानी लोजपा रामविलास को पहचान दिलाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान यहाँ उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और लगातार जनता को संबोधित करते हुए चिराग पासवान यही कहते नज़र आ रहे हैं कि उनकी पार्टी हमेशा जातिवाद और धर्मवाद से परे होती है। यहाँ भी उन्होंने, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने बीजेपी, यानी कि बीजेपी के संरक्षक कह लीजिए नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, गृहमंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी उन्होंने जमकर तारीफ की, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जो सौगात मिला है उत्तर प्रदेश के वासियों को, उसकी भी उन्होंने तारीफ की है। फिलहाल जरा पहले आप ये सुनिए। जिन्होंने 75 साल तक हम लोगों को बांटने का काम किया, हम लोगों का मत हासिल करने का काम किया, और उसके बाद बदले में हमें क्या मिला? कुछ नहीं। आज भी वही बदहाल परिस्थिति में हमारे गांव है। आज भी हम लोग छोटी छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। युवा आज भी संघर्ष कर रहा है कि भैया हमें एक रोजगार मिल जाए। पढ़े लिखे युवा डिग्री लेकर घूम रहे मजदूरी का काम करने के लिए। कौन जिम्मेदार है भैया, कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदारी जवाबदेही तय करने का समय, ये हम लोग को समझने का समय है कि भैया जो आकर जाति के नाम पर वोट मांग के चला जाता है, उसने किया क्या हमारे लिए, क्या हमारे प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर हमारे प्रदेश में होने चाहिए थे, पर अफसोस उत्तर प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, गुरुग्राम, नोएडा, विभिन्न और दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो चिराग पासवान काफी आक्रामक तेवर में भी नजर आए। हालांकि चिराग पासवान ने जो निशाना साधा है वो अलग अलग पार्टी, यानी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर साधा है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर साधा है, और इसी के साथ चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो बेहद व्यक्तिगत हैं, वो राजनीति नहीं करते हैं उनके रिश्ते के साथ। वो हमेशा से यही कहते नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ उस वक्त पर खड़े थे जब उनके साथ कोई नहीं था, जब उन्होंने अपने पिता को खोया था। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चिराग पासवान ने, ये भी सुनिए। कोई इशारा करने की बात नहीं है, एक संक्षिप्त मुलाकात मेरी मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हुई, और देखिए इस बात को मैंने हमेशा ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मेरे मन में उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज्यादा सम्मान है। इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से कभी नहीं देखना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर इसलिए क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ उस वक्त खड़े रहे थे जब और कोई नहीं था, और मैं ये बात कर रहा हूँ तब जब मेरे नेता, मेरे पिताजी अस्पताल में थे, वेंटिलेटर पे थे। वो एक ऐसा समय था जब दिन में दो दो बार प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आता था,
और सुख की घड़ी में कोई आपके साथ हो नहीं हो, आप याद रखें नहीं रखें, पर जो व्यक्ति दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहता है उसके परोपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत रिश्ता मेरा मेरे प्रधानमंत्री के साथ है, और उनसे जो एक संक्षिप्त मुलाकात हुई थी उसी की तस्वीर मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने साझा की थी। इसको राजनीतिक परिपेक्ष में ना देखें, इसका मतलब ये नहीं कि कोई गठबंधन की भूमिका ऐसी तय हो रही है। जैसा मैंने कहा कि गठबंधन की चर्चाएं विभिन्न राजनीतिक दलों से चल रही है और क्या गठबंधन का स्वरूप रहेगा और जल्द साझा किया जाएगा। 2022 में देखिए स्टैंड, जैसा मैंने कहा कि हम लोग अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ, और एक समय ऐसा रहा था भैया जब लोक जनशक्ति पार्टी का एक बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में था, कई विधायक हम लोग के यहाँ से जीत कर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाते रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ पे करते रहे। पर हाँ, गठबंधन की राजनीति की वजह से पिछले कुछ चुनाव में हम लोग अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाए। कहीं ना कहीं मुझे या मेरे नेता को अपने जीते जी भी इस बात का मलाल होता था, उनको दुख होता था कि हम लोग उत्तर प्रदेश में सक्रिय भूमिका में नहीं उतर पाते। क्यों? क्योंकि जब तक आप चुनाव लड़ेंगे नहीं, आप अपने मुद्दों को अपने विचारों को जनता तक आप पहुंचा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उनके रहते रहते ये निर्णय लिया गया था कि जहाँ जहाँ पर भी चुनाव होंगे अगर राज्य इकाई चाहेगी तो हम लोग वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। और इस बार केंद्रीय संसदीय बोर्ड को उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के द्वारा और इवन पंजाब की राज्य इकाई के द्वारा ये प्रस्ताव आया है कि दोनों राज्यों में चुनाव लड़ना चाहिए और दोनों राज्यों में पार्टी चुनाव लड़े। 5 साल में जिस तरीके का एक अनप्रेसिडेंटेड जनाधार मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला, उस जनादेश के अनुसार यकीनन पिछले 5 साल मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तमाम तरीके के विकास के कार्यों को उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतारने का कार्य किया। पर हकीकत ये भी है कि अभी भी कई ऐसे कार्य हैं, खास तौर पर युवाओं से जुड़े हुए जो बेरोजगारी का जो विषय है, आज भी हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज़्यादा पलायन होता है। यहाँ के युवा दूसरे प्रदेशों में जाते हैं शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो। तो इन तमाम चीज़ों पर अभी भी कई तरीके के कार्य करने बाकी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी फिलहाल एक विजन डॉक्यूमेंट पर भी काम कर रही है जिसमें इन तमाम समस्याओं का समाधान के साथ हम लोग उसमें जिक्र करेंगे। और आने वाले समय में उसी विजन डॉक्यूमेंट की पृष्ठभूमि के साथ हम लोग चुनाव में उतरेंगे। विकास को लेकर उत्तर प्रदेश में लड़ाई चल रही है, अभी पूर्वांचल पर फाइटर जब उतारे गए तो अखिलेश ने अपनी साइकिल चला दी, इस लड़ाई के बारे में क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ये श्रेय लेने की होड़ है जिसमें सही मायनों में जनता के जो विषय हैं वो छूट जाते हैं। और मुझे हमेशा इस बात का एतराज रहा है, देखिए मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि भैया कौन होड़ ले रहा है या किसको श्रेय जा रहा है नहीं जा रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि भैया एक पूर्वांचल एक्सप्रेस आपने बनाया। तो लगातार पार्टियां जो हैं वो अपने अपने कुनबे को मजबूत कर रही हैं और पूरे प्रयास में हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अपनी पार्टी को भी वो जमाएं। और ऐसे में चिराग पासवान भी अपनी पार्टी को जमाने में उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। गठबंधन के भी कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन चिराग पासवान फिलहाल गठबंधन के सवालों पर जवाब नहीं दे रहे हैं और उनसे बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें वो गठबंधन करते हैं या किसी अन्य पार्टी के साथ वो जाते हैं और अपने कुनबे को मजबूत करते हैं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।